जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं एक केस डिस्कस करने वाला हूं जो बड़ा ही कॉमन आजकल के समय में मिल रहा है, ऑक्सलेट पॉइजनिंग कहते हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसमें ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा रहता है। इस प्लांट को आप देख सकते हैं, ये प्लांट जितना ही देखने में खूबसूरत है उतना ही जानवरों के लिए जानलेवा है। हालांकि जो एनिमल्स होते हैं, कैटल एंड बफलो होते हैं, वो इस प्लांट को खाने से ही चकते हैं, वो खाना नहीं चाहते हैं। अनविलिंगली किसान इसको बरसीम के साथ या दूसरे फोडर के साथ मिक्स करके खिला देता है, तो इसकी एक्यूट पॉइजनिंग देखने को मिल रही है। इस प्लांट को हम लोग कृष्ण नील कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे पिंपर नील कहा जाता है। और बॉटनिकल नेम अगर इसका कहें तो ये एनागलिस अरबेंसिस के नाम से जाना जाता है। इसे लाइसिलिया अरबेंसिस भी कहा जाता है। ये प्लांट बहुत ही पोटेंट टॉक्सिन रखता है जो साइटोटॉक्सिक होता है। इस पर साइटोटॉक्सिन के साथ साथ सैपोनिन्स होते हैं, और सैपोनिन के साथ साथ एक मेजर कंटेंट जो होता है वो ऑक्सलेट होता है। और इसके खाते ही एनिमल में ऑक्सलेट पॉइजनिंग हो जाती है। तो आज मैं जो डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ कि आप ऑक्सलेट पॉइजनिंग को कैसे पहचानेंगे और उसका क्या बेहतर से बेहतर इलाज अप्रोच किया जा सकता है। हालांकि इसमें मृत्यु के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, 40 से 90% तक जानवरों की मृत्यु हो जाती है। तो आप बेहतर अप्रोच लेंगे तो मुझे लगता है कि आप कई जानवरों की जान बचा सकते हैं। इसलिए इस बीमारी को पहचानना, साथ ही साथ इसका बेहतर से बेहतर इलाज करना अति आवश्यक है। क्लिनिकल सिम्टम की बात करें तो पहला क्लिनिकल सिम्टम जो देखने को मिलता है इस प्लांट के खाने के कुछ दिन बाद, उसके जेनेटेलिया और पेरी एनल एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, के गले में भी स्वेलिंग आ जाती है और सांस लेने में दिक्कत होता है। जानवर गोबर करना बंद कर देता है, कभी कभी कुछ केसेस में पेशाब भी करना बंद कर देता है। चारा बिल्कुल नहीं खाता है, रुमिनल मोटिलिटी डाउन हो जाती है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो जानवर या तो लड़खड़ा के चलता है या खड़े होने में सक्षम नहीं होता है। टेम्परेचर उसका लो हो जाता है, मिल्क फीवर जैसा सिम्टम देने लगता है। साथ ही साथ सबक्यूटेनियस हिमरेजेज देखने को मिल सकता है, जैसा कि आप काऊ को देख रहे हैं, इसके पेरी एनल एरिया में और जेनेटेलिया के ऊपर काफ़ी स्वेलिंग देखने को मिल रहा है। और इस काऊ के आप देख सकते हैं कि मैंडिबल के नीचे स्वेलिंग है, और साथ ही साथ ये काऊ जो है खड़े होने में सक्षम नहीं है, मिल्क फीवर लाइक सिम्टम देती है। तो जो ऑक्सलेट होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लेवल को लो कर देता है। लो कैल्शियम के हो जाने के चलते रुमिनेंट मोटिलिटी चली जाती है, कंस्टिपेशन हो जाता है, गोबर नहीं कर पाता है। दूसरा, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। हाइपोमैग्नीशीमिया होती है, इसके चलते इस एनिमल में आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, मसल में कंट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ वो लड़खड़ा के चल सकती है, ट्रीमर देखने को मिल सकता है। तो ये सारे लक्षण जो हैं ये ऑक्सलेट पॉइजनिंग के हैं। ऑक्सलेट पॉइजनिंग की अगर बात की जाए तो दो तरह से जानवरों को परेशान करता है। एक तो ऑक्सलेट जब इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, ये रूमेन में जाने के बाद अगर मेटाबोलाइज नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से बाइंड करता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, जिसके चलते कैल्शियम का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है और एनिमल हाइपोकैल्शियमिक हाइपोमैग्नीशियमिक हो जाता है। जब सोलेबल फॉर्म इसका एब्जॉर्ब होकर इंटेस्टाइन से ब्लड में आता है तो ये ऑक्सलेट फिर किडनी में जा करके एक्यूट नेफ्रोसिस करता है, इन्फ्लामेशन करता है और वहाँ पर किडनी फेल्योर हो जाता है। ऑक्सलेट के क्रिस्टल किडनी के ट्यूबुल्स में जमा भी होते हैं। ऑक्सलेट क्रिस्टल ट्यूबुल्स में जब जमा होते हैं तो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है और अल्टीमेटली यूरिन का बनना या किडनी का काम करना कम हो जाता है, और उसके चलते एनिमल में यूरेमिया होता है और एनिमल की मृत्यु हो जाती है। तो अगर ऑक्सलेट पॉइजनिंग को अगर आपको मैनेज करना है तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो जो उसके रूमेन में या इंटेस्टाइन में ऑक्सलेट है उसको आपको वहाँ से रिमूव कराना होगा, दूसरा जो ऑक्सलेट उसके किडनी में है उसको वहाँ से रिमूव कराना अति आवश्यक होता है, तब जाकर के आप किसी एनिमल की जान बचा सकते हैं। तो अगर ऑक्सलेट को चिलेट करना है रूमेन में तो बेस्ट वे ये है कि आप वहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम का ओरल सप्लीमेंटेशन करें। जो कैल्शियम मैग्नीशियम के ओरल सप्लीमेंट्स आते हैं वो डायरेक्टली ऑक्सलेट से बाइंड करते हैं और बाइंड करने के बाद वहाँ ऑक्सलेट को प्रिसिपिटेट करा देते हैं और फर्दर ऑक्सलेट का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से और रूमेन से नहीं हो पाता है
और एनिमल के ब्लड में ऑक्जलेट आना बंद हो जाता है। तो पहला काम आपको ये करना है कि वहाँ पे आपको ओरल कैल्शियम देना है। एक्चुअली एनिमल जो है वो हाइपोकैल्शियमिक रहता है, यानी कि कैल्शियम का ब्लड में भी जो लेवल है वो कम रहता है। तो ओरल के साथ साथ आप चाहें तो इंट्रावेनस कैल्शियम भी दे सकते हैं। इंट्रावेनस कैल्शियम वैसे कैल्शियम का सेलेक्ट करें आप जिसमें मैग्नीशियम भी होता है, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लुकोनेट अगर आप यूज़ करेंगे एक शॉट, या कैल्शियम क्लोराइड के जो जेल आते हैं जिनमें आजकल मैग्नीशियम भी रहते हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे तो दोनों ही जगह पे आपको लाभ मिल सकता है। अब ऑक्जलेट को हमें अगर किडनी से निकालना है, वहाँ से पास आउट कराना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये विशेष ध्यान देने वाली बात होती है। ऑक्जलेट जो है पीएच डिपेंडेंट प्रेसिपिटेशन होता है, यानी जो किडनी में डैमेज करता है या प्रेसिपिटेट होता है वो एसिडिक पीएच में होता है। तो ऐसी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है जो कि ब्लड पीएच को एसिडिक साइड में ले जाती हैं, यूरिन पीएच को एसिडिक साइड में ले जाती हैं। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, किडनी से ऑक्जलेट के क्रिस्टल्स को निकालना चाहते हैं, फ्लश आउट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूरिनरी अल्कलाइजर का इस्तेमाल करना होगा। यूरिनरी अल्कलाइजर में जो पोटेशियम साइट्रेट आता है या साइट्रेट कंटेनिंग कोई भी चीज़ हो जो यूरिनरी पीएच को अपसाइड करता है, उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। देसी अगर चीज़ देखे जाए तो नींबू का जो रस होता है उसमें पोटेशियम साइट्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो नींबू के रस भी इसमें डेफिनेटली लाभकारी होगा। साथ ही साथ आप क्या करेंगे कि रिनोप्रोटेक्टेंट जो दवाएं आती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिनोप्रोटेक्टेंट में कई हर्बल दवाएं अवेलेबल हैं जो किडनी के फंक्शन को स्टिमुलेट करती है, किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं, तो उनका इस्तेमाल यहाँ पे आपको लाभकारी साबित हो सकता है। किडनी प्रोटेक्टेंट में अगर एलोपैथिक में देखा जाए तो आप एनएसिटाइलसिस्टीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनएसिटाइलसिस्टीन एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है और रिनोप्रोटेक्टेंट की तरह भी काम करता है। तो कोई भी एंटीऑक्सीडेंट आप यूज कर सकते हैं जो किडनी को प्रोटेक्ट करता हो। जैसा कि मैं बता रहा था कि जो ऑक्जलेट है वो किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनका एक्यूट इन्फ्लामेशन करता है, तो इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने के लिए आप यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी डोज पे यानी लो डोज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डेक्सामेथाजोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिथाइलप्रेडनिसोलोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ पे लाभकारी होगा। वैसी दवाएं जो किडनी को डैमेज करती है खास करके नसाइड्स, उन पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्टेरॉयड नहीं लगाते हैं तो आपको नसाइड देना लाभकारी होगा, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किडनी को कहीं ज़्यादा डैमेज तो नहीं कर देती हैं। तो मैं अगर यहाँ रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इस्तेमाल करें एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी, वो बेहतर ऑप्शन है। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट में जैसे मैं कह रहा था, आप एस्कॉर्बिक एसिड का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है कि वो ऑक्जलेट को और भी प्रेसिपिटेट कराता है, या ये एसिडिफायर भी होता है। तो ऑक्जलेट को प्रेसिपिटेट कराने वाला एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी जो होता है उसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना चाहिए। उसी तरह से सोडियम एसिड फॉस्फेट का भी इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहिए, वो लाभकारी नहीं होगा, प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा। तो आप फॉस्फोरस का इंजेक्शन आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम देंगे, मैग्नीशियम देंगे और साथ में आप अल्कलाइजर दे सकते हैं। किडनी जब डैमेज हो जाता है तो फ्लूइड थेरापी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट का जो फ्लूइड आता है खासकर आरएल या नॉर्मल सलाइन, उसका इस्तेमाल अगर आप डायुरेटिक के साथ करते हैं तो किडनी से जो ऑक्जलेट के क्रिस्टल हैं वो फ्लश आउट होते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। तो आप यहाँ पे रिंगर सिलेक्टेट का इस्तेमाल करें, नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ अगर एन यूरिया है, यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप फुरेसेमाइड का भी साथ में इस्तेमाल करें जिससे कि जो किडनी में क्रिस्टल्स बने हैं ट्यूबुल्स में वो फ्लश होकर के बाहर चले जाएं। यूरिनरी अल्कलाइजर के साथ साथ आप सिस्टमेटिक अल्कलाइजर्स का भी, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो यहाँ पे फायदेमंद होगा अगर किडनी डैमेज हो गया है तो। अगर क्रोनिक रीनल फेलुअर है तो उसमें यूरिन आउटपुट ज़्यादा रहता है और जानवर को प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उस कंडीशन में आपको डायरेटिक देने की ज़रूरत नहीं है, जितना वो पानी पीता है उतना उसको पानी अवेलेबल करा। कुछ लोगों का कहना है कि जो सोडियम थायोसल्फेट है वो किडनी से ऑक्जलेट को निकालने में मदद करता है, तो ओरल आप सोडियम थायोसल्फेट का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि सोडियम थायोसल्फेट पे कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन वो ह्यूमन के केसेस में देखा गया है कि कैल्शियम ऑक्जलेट जो बनता है, क्रिस्टल बनता है, उसको किडनी से निकालने में मदद होता करता है। इसी तरह से ऑक्जलेट को कम करने के लिए एक विटामिन बी6 आता है,
वो ऑक्जलेट के किडनी में डिपोजिशन को चेक करता है। पाइरिडॉक्सिन यहाँ पे ऑक्जलेट को रिमूव कराने में हेल्पफुल होगा और उसका इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता है। इंजेक्शन जो B1, B6, B12 के रूप में आता है मार्केट में, B6 का आपको सिर्फ इंजेक्शन नहीं मिल सकता है, तो हाई डोज में अगर आप B6 का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। तो ये तो हो गया कि ऑक्जलेट को कैसे कंट्रोल करना है। दूसरे जो इसके इफेक्ट हैं, जैसा कि आप देख रहे थे कि क्लिनिकल सिम्टम में इसके सबमेंडुलर इडिमा हो जाता है, पूरे बॉडी के अंदर फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, खासकर पेरिएनल एरिया में और जेनिटेलिया के ऊपर स्वेलिंग आती है, जो कि इस पॉइजनिंग का टिपिकल इंडिकेटर है, जो अनागलिस अरवेंसिस को इंडिकेट करता है कि एनिमल ने खाया है। तो गले के ऊपर भी आपको स्वेलिंग मिलेगी। तो ये इस तरह की स्वेलिंग अगर आती है जेनिटेलिया के ऊपर पेरिनल एरिया में, तो वो इंडिकेट करता है कि ये जो प्लांट है एलर्जिक भी है, क्योंकि अगर एलर्जिक प्लांट होगा तो वो हिस्टामिन के रिलीज़ को बढ़ाता है, और एक्चुअली मास्ट सेल जो हैं वो जहाँ पे नेचुरल ऑरिफिस होते हैं वहाँ पे एग्रीगेटेड होते हैं, तो मास्ट सेल का एक्टिवेशन होकर के फिर वहाँ पे स्वेलिंग आती है, जो कि इंडिकेटर है कि यहाँ एलर्जी भी हो रही है। नेचुरल ऑरिफिस है तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि वहाँ हिस्टामिन का रिलीज़ ज़्यादा हो रहा है, यानी मास्ट सेल का एक्टिवेशन हो रहा है, यानी कि ये एलर्जी भी प्रोड्यूस करता है। तो एलर्जी को काउंटरेट करने के लिए आप इसमें एंटी हिस्टामिनिक का इस्तेमाल करें तो वो ज़रूर लाभकारी होगा। प्लाज्मा वॉल्यूम जो एक्सपांडर्स आते हैं उनको अगर आप यूज करते हैं तो जो सिस्टमिक फ्लूइड एक्युमुलेशन है, कैविटीज़ में फ्लूइड एक्युमुलेशन है या जो एडिमा है उसमें राइड अप होगा, साथ ही साथ उसका ब्लड प्रेशर भी अप होता है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम का एडिशन एक तो यूरिन आउटपुट बढ़ाएगा, साथ ही साथ वो जो इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग है, जो एडिमा है टिश्यू में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो आता है उसको राइड अप करने में मदद करता है। तो आप यहाँ पे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एनिमल को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। लिवर टोनिक देना ज़रूरी है क्योंकि ये प्लांट जो है हेपेटोटॉक्सिक भी है, रिनोटॉक्सिक तो दिखता है लेकिन हेपेटोटॉक्सिक भी है, तो कोई ना कोई आपको लिवर टॉनिक यहाँ पे ज़रूर ले लेना चाहिए ताकि एनिमल जल्दी से रिकवर हो सके और उसके बचने की संभावना बढ़ जाए। तो इस तरह से अगर आप ट्रीटमेंट अप्रोच लेंगे तो मुझे विश्वास है कि कई जानवरों की जान जरूर आप बचा पाएंगे। यह केस मुझे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से डॉक्टर TR यादव जी ने शेयर किया था और उन्होंने मेरा इस पर ओपिनियन मांगा था। सच पूछिए तो ऐसे केसेस मैंने भी नहीं देखे थे। जब उन्होंने ये सारे सिम्टम बताए, मैंने इसका एनालिसिस किया और जो पॉसिबल थेरापेटिक अप्रोच है वो मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो मैं डॉक्टर TR यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने ये केस मेरे साथ साझा किया जिसपे मैं आप लोगों को अपडेट कर पा रहा हूँ। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, किसानों को भी इस प्लांट के बारे में जानना चाहिए, इसके लक्षण को समझना चाहिए ताकि इस प्लांट को वो न खिला सकें। और इस तरह के केसेस अगर आपको फील्ड में मिलते हैं तो आप उसका बेहतर से बेहतर इलाज कर सकें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। फिर जल्द मिलेंगे किसी और केस के साथ आपके क्लिनिकल ज्ञान को बढ़ाने के लिए और जानवरों की जान बचाने के लिए।